हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। बच्चे कैसे हैं? अब दिख रही हूँ मैं? इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ दिखने की। यस, फाइनली वी आर लाइव एंड वेलकम बच्चों, वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ आवर मंथन कोर्स। मंथन में बच्चों कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम 11th, जिसमें से 60% आपका पेपर आना है, 11th क्लास इज गोइंग टू बी डन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। फ्यू डेज मीन्स प्रॉबेबली दिस वीक, मतलब बिफोर होली आपका 11th क्लास खत्म हो जाएगा। आफ्टर होली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 12th क्लास। थोड़ा अच्छा मुहूर्त भी होगा उस टाइम पर, है ना। हमने एक फेस्टिवल तक अपना 60% पोर्शन जहाँ से पेपर आना है वो डन कर चुके होंगे। 12th तो वैसे ही छोटी है, दो ही चैप्टर थोड़े बड़े हैं, एक थोड़ा सा आपको टफ लगता है, वैसे मतलब छोटा सा ही है, 12th इज ईजी। आज बेटा हम बात करने वाले हैं अपने कॉकरोच के बचे हुए हिस्से में। ये आप देख ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल सारा स्ट्रक्चर है इसका। वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे कि बॉडी में भाई कॉकरोच की क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। देन मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। कल हमने कॉकरोच के बारे में क्या क्या डिस्कस किया? यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच, बाहर से कैसा दिखता है। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इंटरनली भाई कॉकरोच में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जिसमें अभी हमने दो सिस्टम कर लिए थे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डन कर लिया था। येस, डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज डन। अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैड ऑल्सो डन कंप्लीटेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। येस बेटा, हो गया था। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, माई सेल्फ सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट। ये हमारी बच्चे छोटी सी लेकिन बहुत इफेक्टिव टीम है जो जानती है कि आपको इस टाइम पर क्या चाहिए, जो समझती है आपकी रिक्वायरमेंट को कि नीट 2021 के लिए जो जो आपको डोजेस देनी पड़ती है ना, वो डोजेस किस तरीके से देनी है। हम लोगों ने पूरा जज करके, पूरा एनालाइज करके हम ये मंथन क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन डिटेल बट वेरी मच प्रिसाइज एंड कॉन्साइज टू द पॉइंट। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट में। यस बेटा, तो मैम को आप पहचान जाओ, ठीक है। आप मुझे YouTube पर, स्पेशल क्लास पर, प्लस पर, एवरीवेयर ढूंढ सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑफ अन अकेडमी। इसी वजह से सिंस यहाँ पर एक कोर्स चल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कभी कहीं जगह NCERT हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, नो। यहाँ पे बच्चों हमने स्टार्ट किया है डिटेल में पढ़ाना। 3 महीने हमारे पास टाइम है और उसी 3 महीने में हम आपको कवर करके दिखाएंगे इफेक्टिवली विद एवरी वीक टेस्ट्स, जिसमें आपको एवरी वीक टेस्ट मिल रहे हैं। स्पेशल क्लासेस में मंथन की प्रश्नाली मिल रही है और हर सैटरडे आपको बायोलॉजी में NCERT भी मिलती है। तो ये अब और बच्चों मुझे नहीं लगता तुम्हें और कितना स्पून फीड किया जा सकता है। बाकी अब तुम्हारा एपेटाइट है कि तुम कितना ले सकते हो, खाना तुम्हें भरपूर खिलाया जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हें डाइजेस्ट ही ना हो तो फिर क्या मतलब है ना। तो चैनल को बच्चे कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट से जल्दी। चैनल की सब्सक्रिप्शन में कमी नहीं आनी चाहिए, सब्सक्राइब करो एंड जल्दी से हमें खुशखबरी दे दो 10 लाख्स की, राइट। चलिए, DPP कहाँ मिलती है, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलते हैं, सब कुछ मिलता है इसी टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज t.me/unacademyneet_official। ये हमारा नया चैनल है तो पुराने पर बच्चे मत ढूंढना, सब कुछ नए चैनल पर मिलेगा। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अराउंड 6000 स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड दे आर अवेलिंग द मंथन नोट्स, दे आर गेटिंग द मंथन DPPs एंड दे आर गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स एज वेल। तो अगर आपको भी चाहिए वो रोज की DPP, डेली DPP मिलती है बच्चों, बिना किसी ब्रेक के हर सब्जेक्ट में मिलती है। तो बच्चे ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। एंड मैं बात करूँ अगर प्लस प्लेटफॉर्म की, तो वेरियस बैचेस दे आर स्टार्टिंग। जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपका बैच आ रहा है फाइनल लीप फॉर नीट 2021। देन यू कैन सी बेटा अर्ली नर्चर बैच फॉर नीट 2023 हैज ऑल्सो बीन लॉन्च। मतलब जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं उनके लिए भी बच्चों बैचेस आ चुके हैं। देन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर नीट इज गोइंग टू हैपन ऑन 26th of March 2 to 5 PM। सब बच्चे देख लो, 2021 वाले मॉक टेस्ट भी जरूर देना 26 मार्च को 2 to 5 PM टाइम जान के रखा जाता है, डेलिब्रेटली रखा जाता है, बिकॉज हमें पता है तुम उस टाइम, तुम्हारी सोने की कोशिश होती है लेकिन सोने नहीं देना है। उस टाइम पे तो तुम्हें सुपर एक्टिव रखेंगे बिकॉज इसी टाइम पे तो तुम्हारा पेपर होता है। यस, सो इस सब टेस्ट के लिए बेटा एनरोल कर लो और प्राइजेस तो देखो। सबसे बड़ी चीज तो तुम्हें अपना पता चलेगा कहाँ स्टैंड करते हो। अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो बच्चे फिर इंप्रूव करने का टाइम नहीं बचेगा। मॉक टेस्ट देने का टाइम जुलाई में नहीं आएगा, वो तो दोगे ही दोगे, लेकिन इंप्रूवमेंट वाला मॉक टेस्ट जिससे तुम कुछ इंप्रूव करोगे वो इसी टाइम दोगे।
मार्च में मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी पोजीशन को एनालाइज कीजिए और साथ ही में उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं कि यार मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस टॉपिक में मैंने गलती की, क्या पेपर अटेम्प्टेशन मेरा ठीक है या नहीं ठीक है, ये सब चीज़ें अभी एनालाइज हो सकती है। और गिफ्ट्स तो हमने देखे ही नहीं, रैंक नंबर वन को 2000 अमेजॉन वाउचर, 2 to 3 10,000, 4 to 10 5K एंड 11 to 150 को 1K। क्या करोगे इतने पैसों का बच्चों, है ना? गिफ्ट ले देना, अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले लेना, ठीक है? और खुद बस नॉलेज लेना, तुमने गिफ्ट नहीं लेना, तुम्हारा गिफ्ट है डॉक्टर बनना, तुम्हारा गिफ्ट है नीट में सिलेक्शन। ये अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे पेरेंट्स और हो सकता है तुम्हारे टीचर्स का भी गिफ्ट हो जाए, राइट? चलिए, सो 26th of March 2 to 5 PM इज योर मॉक टेस्ट। और बात कर ले बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, एज यू नो दैट आपका एग्जाम होने वाला है, योर एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ऑन 1st of August, यस 1st of August। तो बेटा अगर आप ये 3 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अभी, तो आपको सपोर्ट कब तक मिलेगा? 1st August तक सपोर्ट मिलेगा। दैट मीन्स 3 month के कॉस्ट में यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ ऑलमोस्ट 4.5 months। तो बच्चे 2021 वालों को मैं बता दूँ, कुछ ही दिनों के लिए आपके पास ये ऑफर है कि आप कितना सब्सक्रिप्शन ले 3 month का, और बेनिफिट आपको मिलेगा 4.5 महीने का, मतलब पेपर से जस्ट एक दिन पहले तक वी आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू। और जो बच्चे 2022 वाले हैं उनको लेना चाहिए 1 year का, है ना? अभी टाइमली लोगे तो पूरा साल अच्छे से मेहनत कर पाओगे, और 2023 के भी बैचेस स्टार्ट हो गए, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया था, दे शुड गो फॉर दिस 2 year सब्सक्रिप्शन। कुछ एक्स्ट्रा बनने के लिए, देखो भीड़ में खड़ा होने के लिए, भीड़ में अलग से स्टैंड आउट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो बेटा करना ही पड़ता है। जो सब कर रहे हैं वो करोगे तो बिल्कुल सब जैसे रह जाओगे। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देन यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, सर्टेन एक्टिविटीज जो अलग हों, भीड़ से अलग हों। और ये आस्क अ डाउट वाला फीचर देखो बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो अनअकैडमी के एक्सपर्ट डाउट क्लियरिंग एजुकेटर से, ठीक है? ये रहा हमारा मंथन का टेस्ट जो कि होता है एवरी सैटरडे। इस बारी का सिलेबस क्या है? नर्वस सिस्टम। देख लो बेटा, हमारे जो मंथन टेस्ट में हम आपको बिना टेस्ट लिए तो छोड़ते ही नहीं है, है ना? हर सैटरडे आपका टेस्ट होना ही होना है। तो इस बारी बच्चे एक ही चैप्टर आ रहा है, बड़ा है ना, थोड़ा सा सेंस ऑर्गन्स भी हैं, सो नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू कम, राइट? अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, संडे को होता है, आप सब लोग एनरोल कर सकते हो, फ्री टेस्ट है बच्चे, बस कोड यूज करना है, दैट इज सीप लाइव। स्टार्ट करें बेटा, यस। अच्छा, इसका लिंक और सिलेबस लिंक क्या करना है? सिलेबस तो मैंने बता दिया ना, सिलेबस इज बच्चों नर्वस सिस्टम। मैं बाकी के सिलेबस का भी एक वीडियो रिलीज कर दूंगी, फॉर श्योर। अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था। द होमवर्क वॉज हाउ मैनी हिपैटिक सीके। देखो कल का सेशन किस पे था, कल का सेशन हमारा बेस था कितने आदमी थे, है ना? तो कल मैंने आपको क्वेश्चन भी ऐसा दिया था कि कितने हिपैटिक सीके थे, यस कितने बेटा हिपैटिक सीके थे। हाँ जी, बिना ऑप्शन के अभी आंसर दे दो, मैं देखूंगी नहीं, मुझे पता है सबने ठीक आंसर दिया वहां पर। आई हैव सीन द कॉमेंट बॉक्स एंड इट इज फिल्ड विद द राइट आंसर। ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। कितने हिपैटिक सीके थे बेटा, बता दो फटाफट मैम को, कितने थे? यस, नंबर ऑफ हिपैटिक सीके दे वर, हाँ जी, कितने? 600, 800, 6000, 6 million, कितने थे बेटा? Yes, the number of hepatic CK were only 6 to 8. कितने थे? 6 to 8. अगला सवाल, ये किसके जंक्शन पर प्रेजेंट हैं? फोरगट मिडगट या फिर मिडगट हाइंडगट या फिर हाइंडगट फोरगट, ऐसा भी कोई जंक्शन था? Yes, किसके जंक्शन पे प्रेजेंट है? They are present at the junction of फोरगट एंड मिडगट, और दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। हाँ जी, बताइए किसके जंक्शन पर ये प्रस्तुत है? कम ऑन गाइस, किसके जंक्शन पर है? बिल्कुल ठीक डॉक्टर शिवांश, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे क्या था? वो था आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर विच वॉज कॉल्ड एज मालपिजियन टिब्यूल्स। बहुत बढ़िया, मतलब वो सबको याद हो गया, everyone now knows about the digestive system of the cockroach. आज बेटा हम start करेंगे, today we are going to start with सबसे पहले circulatory system of the cockroach. क्या start करेंगे? circulatory system of cockroach.
सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अब बताओ यार, सबसे पहले कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करता था? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्या उनका ब्लड उनके सेल को टच करता है, या फिर बेटा जो ब्लड है फ्लो करता है वो क्लोज्ड वेसल्स में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा इनका कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी ओपन टाइप। सबसे पहली चीज, इट इज गोइंग टू बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो कोई फ्लूइड होना चाहिए, है ना? सो देयर इज गोइंग टू बी अ फ्लूइड, जिसको आप ब्लड भी बोल सकते हो, जिसको आप हेमोलिम्फ भी बोल सकते हो। फिर उस फ्लूइड को जगह चाहिए घूमने के लिए, है ना? कहाँ घूमेगा? वेसल तो इसमें ज्यादा है नहीं। ये फ्लूइड रोम अराउंड करेगा इन द ओपन स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज हेमोसील, और यू कैन कॉल दिस ओपन स्पेस एज साइनसिस। अब बेटा हमारे पास आ गया है ब्लड, हमारे पास जगह भी आ गई है। हार्ट के बारे में बात कर लें, क्या इनके पास हार्ट होता है? बिल्कुल बेटा, दे आर गोइंग टू हैव द हार्ट। सो द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट इज गोइंग टू बी द ब्लड। सबसे पहली चीज इनके पास क्या होगा? ब्लड होगा, जिसको ये क्या बोलते हैं? हेमो लिम्फ बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये हेमोसेल में फ्लो करता है ना, ओपन स्पेसेस में घूम रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हेमो लिम्फ बोलेंगे। पते की बात ये है कि इसके पास प्लाज्मा होगा, दे आर हैविंग प्लाज्मा, बट देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कोई भी हमारी तरह, जैसे हमारे पास तो हीमोग्लोबिन है ना, इनके पास क्या कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? इनके पास बेटा कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। दैट मीन्स इनका ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। आपका ब्लड तो देखो हीमोग्लोबिन होता है, उससे CO2 भी ट्रांसफर होता है, उससे आपका ऑक्सीजन भी मेजरली ट्रांसफर होता है, बट इनमें यार कोई पिगमेंट ही नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो रेस्पिरेशन वाला काम खुद करना पड़ेगा स्पाइरेकल्स वाले सिस्टम को, ट्रैकियल सिस्टम को। यस बेटा, और क्या होता है, और क्या होता है इनके हेमोलिम्फ में? देयर हेमोलिम्फ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम सेल्स विच आर कॉल्ड एज हेमोसाइट्स। कुछ सेल्स होते हैं बेटा हेमोसाइट्स विच आर फैगोसिटिक इन नेचर, ठीक है, विच आर फैगोसिटिक इन नेचर, ठीक है। तो ब्लड हो गया, ब्लड के बाद आ जाएगा बच्चे ओपन स्पेस, जिसको आप बोलोगे हेमोसील। देन तीसरी चीज आ जाएगी, क्या आएगी बच्चों? तीसरी चीज आएगी आपकी हार्ट। सो लेट अस टॉक अबाउट देयर हार्ट। इसके हार्ट में कितने चेंबर? तुम्हारे हार्ट में 4। तो यार कॉकरोच छोटा होके भी बाजी मार गया। यस, तुमसे छोटा, कितना छोटा होके भी बाजी मार गया है। दे हैव गॉट 13 चेंबर्ड हार्ट। कितने चेंबर वाला हार्ट है? 13 चेंबर्ड हार्ट बच्चों। हाउ मेनी पूजा? बिल्कुल 13। तो बना ले फिर, इनकी हेमोसील बनाने वाली हूँ बच्चों। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल द साइनसेस, क्योंकि हेमोसील को ही आप क्या बोलोगे? साइनस। साइनस मतलब खाली जगह, जिस खाली जगह में हेमोलिम फ्लो करेगा। सो लेट अस ड्रॉ द बॉडी ऑफ कॉकरोच बच्चा, ठीक है। सो ये बेटा आपका कॉकरोच। Now the body of the cockroach is divided into, three sinuses. इसकी बॉडी में बेटा 3 sinuses होंगे। Sinus मतलब खाली जगह। कितनी खाली जगह होंगी? 3। किसने बनाई वो 3 खाली जगह? बच्चे 3 बनाने के लिए यूज हुए 2 डायफ्राम, पोरस डायफ्राम। देखो ऊपर वाली साइड आपने इमेजिन करना है, ये कॉकरोच ना ऐसे जमीन पे चल रहा है, तो ऊपर वाली साइड कौन सी है आपकी? द अपर पार्ट इज डॉर्सल, यस, द लोअर पार्ट इज गोइंग टू बी वेंट्रल। तो ऊपर वाली साइड जो आपका डायफ्राम होगा, डायफ्राम डिवाइड करेगा खाली जगह को, उसको आप बोल दोगे डॉर्सल डायफ्राम। नीचे वाली साइड जो डायफ्राम होगा उसको आप क्या बोल दोगे? वेंट्रल डायफ्राम। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका डॉर्सल डायफ्राम, पोरस स्ट्रक्चर है। सो ये पोरस डायफ्राम हमने बनाया डॉर्सल साइड पे बॉडी की, तो क्या बोल दोगे? दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल डायफ्राम। ओके, सेम वे देयर इज गोइंग टू बी 1 डायफ्राम ऑन द वेंट्रल साइड एज वेल, ठीक है, जो खाली जगह में ऐसे 3 चेंबर्स बना दे रहा है। यस, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल डायफ्राम। दोनों के दोनों डायफ्राम क्या है बेटा? आपस में ओपेक है,
या फिर आपस में रिश्तेदारी है, बिल्कुल रिश्तेदारी है, पोरस है ना, यहां से सामान यहां जा सकता है, यहां से सामान यहां जा सकता है, तो इस तरीके से दे आर पोरस. नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डायफ्राम हमारे पास बन गए तीन चेम्बर्स, तीन खाली जगह बन गई, सबसे ऊपर वाला साइनस, मिडल वाला साइनस एंड सबसे नीचे वाला साइनस. सो द अपर चेम्बर के पास है हार्ट. क्या है इसके पास? हार्ट. तो ये कहलाता है पेरिकार्डियल साइनस. क्या बोलोगे? पेरिकार्डियल साइनस. बीच वाले के पास है बच्चों गट, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम किया था सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज पेरिविसरल साइनस. और सबसे नीचे वाले के पास है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना, वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड, तो इसको बोल दोगे पेरिन्यूरल साइनस. आ जाइए लेबल करें. सो द अपर चेंबर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल साइनस. अभी हार्ट ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है. द मिडल वन इज कॉल्ड एज पेरिविसरल साइनस, क्योंकि इसमें गट है, पेरिविसरल साइनस. एंड द लोअर मोस्ट चेंबर इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरल साइनस, क्योंकि इसके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. अब बात करते हैं बच्चों पेरिकार्डियल की. पेरिकार्डियल के पास क्या प्रेजेंट है? 13 चेंबर्ड हार्ट. शुड वी ड्रॉ दैट 13 चेंबर्ड हार्ट? चलिए. सो द फर्स्ट चेंबर ऑफ द हार्ट इज क्वाइट एन इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, ऐसा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है. इस फर्स्ट चेंबर को क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर आयोटा. हाँ जी, पहले चेंबर का क्या नाम है? एंटीरियर आयोटा. तो यार बाकी के 12 चेंबर बना लो, बस इसी तरीके से बनाते जाना है. यस, दिस इज चेंबर नंबर सेकेंड, दिस इज चेंबर नंबर थर्ड, एंड दिस इज चेंबर नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ एंड थर्टींथ. कितने चेंबर्ड हार्ट बना बच्चों? यस, बोर्ड पे कॉकरोच आ गया है. मैंने बोर्ड पे कॉकरोच को ऐसे चिपकाया और मैंने उसको डाइसेक्ट कर दिया और हमने देखा कि पेरिकार्डियल साइनस में हाउ मेनी चेंबर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. दिस इज 13 चेंबर्ड हार्ट, इन विच द फर्स्ट चेंबर, द फर्स्ट चेंबर इज कॉल्ड एज एंटीरियर आयोटा. ठीक है, तो यार ब्लड आपके साइनसेस में भी है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड आपके हार्ट में भी फ्लो करेगा. तो सबसे पहली चीज, ब्लड मतलब हेमोलिम्फ. हेमोलिम्फ कहाँ घूम रहा है? हेमोलिम्फ घूम रहा है सारे साइनसेस में. हेमोलिम्फ ने अब जाना है हार्ट के अंदर. अंदर जाने के लिए यार इसको कोई तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगी, है ना, कोई तो मसल्स चाहिए जिसकी वजह से यहां से साइनस से ब्लड जाए आपके हार्ट में. सो देयर आर सर्टेन मसल्स, पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट, जो कि आपके डॉर्सल टर्गाइट से जुड़ते हैं इस डॉर्सल डायफ्राम तक. सो देयर आर बच्चों पेयर ऑफ एलरी मसल्स. कौन सी मसल्स है? एलरी मसल्स. ठीक है, कितने पेयर होंगे? 13 चेंबर है तो 12 पेयर, देख रहे हो, क्योंकि जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर फैन शेप्ड मसल्स विच आर कॉल्ड एज एलरी मसल्स. यस, सो दीज आर फैन शेप्ड एलरी मसल्स. कम ऑन गाइस, ये आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पेयर ऑफ एलरी मसल्स आर देयर. बच्चे सोचते हैं यार 13 चेंबर होंगे तो 13 पेयर लगा देते हैं. बट याद रखना है कि एलरी मसल्स दे आर अटैच टू द जंक्शन ऑफ द चेंबर्स. देख रहे हो, जहां पर दो चेंबर आपस में जुड़ते हैं. तो अगर 13 चेंबर हैं तो जंक्शन तो कितने होंगे? 12 ही होंगे ना, है ना, एन माइनस वन होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ एलरी मसल्स दीज आर एक्चुअली 12 पेयर्स. एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस एलरी मसल, ये चीज समझो, जब ये एलरी मसल बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस टाइम पर साइनसेस में से ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा आपके हार्ट में. इसका हार्ट का एक चेंबर मैं यहां बनाकर दिखाती हूं. दिस इज वन चेंबर ऑफ द हार्ट. ठीक है, इस चेंबर में बेटा इस तरीके से ना ओपन स्पेस होती है, देख रहे हो, जस्ट इमेजिन देयर आर ओपन स्पेसेस लाइक दिस, राइट. सो दिस चेंबर हैज गॉट सर्टेन ओपन स्पेस. कैन यू सी बच्चों दिस ओपन स्पेस? दिस ओपन स्पेस, यहां से ब्लड अंदर जा सकता है. इस ओपन स्पेस को बेटा आप बोलते हो ऑस्टिया. तो चेंबर के साइडों पे पता है क्या प्रेजेंट है? ऑस्टिया.
ये भी क्या है आपका ऑस्टिया। ऑस्टिया के पास क्या प्रेजेंट होंगे? वॉल्व्स, जो कि बैक फ्लो को क्या कर देंगे? प्रिवेंट कर देंगे। तो जब आपकी एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ब्लड एंटर करेगा। ब्लड का मूवमेंट देखो, ब्लड इज गोइंग टू एंटर इनटू द लास्ट चेंबर। ठीक है, पहले का एंट्री मार रहा है, लास्ट चेंबर में मार रहा है। कैसे मारेगा? थ्रू द ऑस्टिया, है ना, ऑस्टिया के थ्रू। देन बच्चे इस चेंबर में भी गया, इसके पास भी ऑस्टिया, इसके पास भी गया, इसके पास। दैट मींस ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम पीछे टू आगे, आगे टू पीछे नहीं है, ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम पोस्टीरियर साइड टू द एंटीरियर साइड। ये बात क्लियर? कॉकरोच के अंदर ब्लड हमेशा उल्टा फ्लो करता है भाई, उल्टा फ्लो करता है, याद रखना है। ब्लड इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, 13 से गया 12, 12 से गया 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 1 से आ जाएगा बच्चे ब्लड इसके हेड साइनस में। हेड वाली, हेड के पास होगा ना फर्स्ट चेंबर, हेड साइनस में। हेड साइनस से बेटा ये ब्लड गया आपके लास्ट वाले साइनस में, विच इज पेरिन्यूरल साइनस, और पेरिन्यूरल साइनस से फिर ब्लड जाएगा आपके बीच वाले साइनस में पेरिविसरल, और पेरिविसरल से जाएगा आपके पेरिकार्डियल, और कार्डियल से फिर जाएगा हार्ट में। देन पहुंचा हेड साइनस, पेरिन्यूरल, पेरिविसरल, पेरिकार्डियल। दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। तो यार इस तरीके से आपका हार्ट बीट कर रहा है, थैंक्स टू द एलरी मसल्स एंड थैंक्स टू द टर्गोस्टर्नल मसल्स। ठीक है, कितनी बारी हार्ट बीट करता होगा कॉकरोच का? तुम्हारा दिल तो कितनी बारी बीट करता है? 72 टाइम्स, है ना, 72 टू 75, 70 टाइम्स पर मिनट। कॉकरोच की बात करें, सो देयर हार्ट बीट्स फॉर अराउंड 50 टाइम्स पर मिनट। क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी बेटा? 50 टाइम्स पर मिनट। समझ आया? यस बच्चे, अब फ्रॉग का ऑपरेशन क्यों करेंगे? आज कॉकरोच का दिन है ना, ऐसे एक ही दिन में सबको थोड़ा मारधाड़ मचा देंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है, सो आज किसका दिन है? कॉकरोच का। सो दिस इज द फ्लो। ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, ब्लड किस में हेल्प करता है? सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, नॉट गैसेस, क्योंकि गैसेस के लिए इसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट था साइनसेस में, साइनस से गया ऑस्टिया के थ्रू होता हुआ लास्ट चेंबर। देन बच्चे 13 टू कहां जाएगा? फर्स्ट चेंबर, उल्टा जाता है ब्लड, पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट। यहां से गया हेड साइनस, हेड साइनस से जाएगा पेरिन्यूरल, पेरिन्यूरल से पेरिविसरल, विसरल से जाएगा बेटा आपका पेरिकार्डियल, और फिर ये चक्कर चलता रहेगा। और वो कितनी टाइम बीट कर जाएंगे? 50 टाइम। यस बेटा, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज डन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम पे। नेक्स्ट सिस्टम हमारा कौन सा बच गया? लेट अस टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने देखे थे, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। क्या चीज था वो? सबसे पहली चीज बच्चों, कॉकरोच के पास प्रेजेंट है माल पिजियन टिब्यूल्स। क्या है? माल पिजियन टिब्यूल। ठीक है, कितनी थी भाई? ये प्रेजेंट थी आपके मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर, इस तरीके से। यस, वेरी फाइन थिन टिब्यूल्स वर देयर, बहुत ही पतली। क्या थी बच्चे? बहुत ही पतली थी, बहुत ही फाइन थी, ब्लाइंड एंडेड थी। क्या थी? ब्लाइंड एंडेड टिब्यूल्स थी, इस तरीके से। जिनका ओपनिंग एक ही साइड पे होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लाइंड एंडेड। ब्लाइंड एंडेड मतलब जिसका ओपनिंग एक ही साइड पे, दूसरी साइड से बंद है वो। ठीक है, सराउंडेड बाय ग्लैंडुलर सेल्स। क्या है बेटा? सराउंडेड बाय ग्लैंडुलर सेल्स, जो कि आगे जाकर सिलिएटेड है और है ब्रश बॉर्डर। तो करता क्या है ये सारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया वगैरह ले लेगा। ठीक है, सारी बॉडी से अमोनिया ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने कन्वर्ट कर दिया उसको यूरिक एसिड में और बेटा यूरेट क्रिस्टल्स में। यूरेट क्रिस्टल्स में, ये चीज याद रखना है।
कॉकरोच किस फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं? कॉकरोचेस दे रिलीज वेस्ट इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में करते हैं। पहले बच्चे दे एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, इसीलिए है ये यूरिकोटेलिक। सेकेंड दे ऑल्सो एक्सक्रीट आउट यूरेट क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल्स बच्चे सोडियम भी हो सकते हैं, पोटेशियम भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है आपको, पोटेशियम यूरेट, सोडियम यूरेट, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, भाई कुछ भी हो, सब चीजें किस पे एप्लीकेबल हैं, कॉकरोच पे एप्लीकेबल हैं। तो माल पिजन ट्यूब्यूल पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे है। कितनी ट्यूब्स होती हैं आपको पता ही है, 100 to 150, ठीक है, जो बॉडी से अमोनिया वगैरह उठाएंगी, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगी, हाइंडगट को देंगी, हाइंडगट उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा। ओके बेटा, हाँ जी। सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन केस ऑफ कॉकरोच, ये है बच्चों कॉकरोच को मोटे करने वाले कुछ सेल्स, क्या बोला जाता है इनको, फैट बॉडीज। क्या बोलोगे बच्चों इनको, फैट बॉडीज। तो फैट बॉडीज भी पता क्या है, कॉकरोच की बॉडी में हर उस जगह पर प्रेजेंट है जो जगह खाली है, जैसे दो टिश्यू के बीच में जगह खाली हो गई, वॉल के नीचे जगह खाली है, तो वहां पर कौन कुंडली मार के बैठा है, आपका फैट बॉडीज, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट बीनीथ, मेजरली बीनीथ द बॉडी वॉल। क्या करेंगे फैट सेल्स, फैट बॉडी, ये क्या करेगा, ये करेगा बच्चे स्टोर करके बैठेगा यूरिक एसिड को, बना भी लेगा, बनाएगा और स्टोर करके बैठेगा, और इनफैक्ट ये लाइफ टाइम तक स्टोर कर सकता है आपके वेस्ट को। सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंड बच्चे इट इज गोइंग टू स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड हियर द नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड। लाइफ टाइम स्टोरेज इज पॉसिबल, हाँ जी, इसके पास ऐसा गोडाउन है जिसमें उम्र भर अपनी ये सब सामान स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा इज देयर एनी स्ट्रक्चर, देन बच्चे वन मोर स्ट्रक्चर जो इनके हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो नेफ्रोसाइट, नाम से ही जान लो, नेफ्रो, नेफ्रोन, नेफ्रोन समथिंग रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, साइट माने सेल। तो ये क्या है, ये एक तरीके के ना ओवल सेल्स है, ओवल सेल्स विच हैव गॉट टू न्यूक्लियसेस, सो बाई न्यूक्लिएटेड सेल ओवल होते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, हार्ट के अराउंड, डॉर्सल डायफ्राम के पास। ये देखो, ये रहा आपका डॉर्सल डायफ्राम है ना, इस डॉर्सल डायफ्राम के पास, पास होगा तो बच्चे हार्ट के भी अराउंड होगा ना, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ दीज नेफ्रोसाइट्स, सो दे आर प्रेजेंट अराउंड हार्ट, और हार्ट में भी मेजरली डॉर्सल डायफ्राम, ये भी वही काम करेंगे बेटा। अब यहां पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मेल्स को मिल गई है, थोड़ी वैसे कल भी हमने दी थी, मेल्स क्या मारते हैं, स्टाइल मारते हैं ना, एनल स्टाइल, वैसे वन मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू मेल हियर इज दैट मेल्स के पास, कुछ मेल्स के पास, सबके नहीं होता, कुछ मेल्स के पास वन एडिशनल स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन के लिए, जिसको बोला जाता है यूरिकोज ग्लैंड। यस, ओनली प्रेजेंट इन सम मेल्स, सम मेल्स, तो यहाँ डब्बे में लिख देते हैं इसको, फोर्थ नंबर इज कॉल्ड एज यूरिकोज ग्लैंड्स, जो कि पाया जाता है मेल्स के पास, मेल्स के मशरूम ग्लैंड के पास, सम मेल्स। यस बेटा, ठीक है, क्या कोई मेरे साथ स्टडी नहीं करता है, तो भाई तुम्हें किसी के साथ स्टडी क्यों करनी है, मुझे ये बताइए, क्या तुम किसी के साथ बैठ के पेपर दे सकते हो नीट का, क्या तुम्हारा कोई रियल दोस्त है जो कहेगा कि हाँ भाई हम लोग इकट्ठे पेपर देंगे, मैं तेरे को चीटिंग कराऊंगा, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छी चीटिंग कराऊंगा, बेस्ट 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 आंसर तेरे लिए मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसा कोई होता है, नहीं होता ना, आप अकेले हो, हर स्टूडेंट इस जंग में अकेला है, वैसे एक लाइन चली थी ना, हर रोडी एक अकेला है, तो यार तुम लोग भी बिल्कुल अकेले हो, अपने ऊपर भरोसा करो, वो क्यों तुम्हें मदद करेंगे, वो बच्चों की तरह कर रहे हो, मैम वो मेरे साथ खेल नहीं रहा, क्यों खेल रहा है तुम्हें उसके साथ, अपने आप खेलो ना, अपने आप पढ़ाई करो, जब डॉक्टर बनोगे विल यू शेयर योर इनकम विद हिम, यू वोंट शेयर, है ना, तो वही है, अपनी मेहनत करो और फिर उससे मजे करो। यस बेटा, अपनी मेहनत करो, उससे मजे करो। हाँ, ये पल्लवी सारी क्लास में ऐसे करती है कि वो मेरे साथ ये नहीं कर रहा, भाई क्यों करेगा, तुम डॉक्टर बनने के बाद उसको पूछोगी, नहीं पूछोगी ना, तो उसे पहले से पता है चीज, इसलिए वो तुम्हारे साथ बिल्कुल बात नहीं करता है। हाँ ओके, एक्सक्रीशन इज डन, एक्सक्रीशन के बाद आते हैं इनके नर्वस सिस्टम पे, लेट अस कम टू नेक्स्ट सिस्टम विच इज देयर नर्वस सिस्टम, ठीक है,
नाउ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम ना हर सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि सारा उसके हेड में डाल दिया है या सारा उसके एब्डोमेन में डाल दिया. नो, नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली सेगमेंटली अरेंज्ड. इस वर्ड पे ध्यान देना, कैसा है नर्वस सिस्टम? सेगमेंटली अरेंज्ड. सेगमेंटली अरेंज्ड का मतलब होता है एवरी सेगमेंट विल हैव अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. थोड़ा थोड़ा भाग सबके पास होगा, ठीक है? तो कोई सेगमेंट बुरा नहीं मानेगा कि यार मुझे नहीं दिया तुमने. हर सेगमेंट के पास आपको कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम का पार्ट मिल जाएगा. प्लस नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली फ्यूज्ड, ठीक है? कैसा नर्वस सिस्टम है बच्चे इसका? फ्यूज्ड है, सेगमेंटली अरेंज्ड है एंड पेयर्ड गैंग्लिया दे आर प्रेजेंट. पेयर्ड गैंग्लिया दे आर प्रेजेंट. अब एक चीज समझो, इनके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, बहुत ध्यान से समझना. हम ना एक हाइपोथेटिकल सा डायग्राम भी बनाएंगे. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ देयर नर्वस सिस्टम. एक तो बेटा इनके पास प्रेजेंट होगी नर्व रिंग, ठीक है? नर्व रिंग, ऐसे गोला जैसे रिंग नहीं होती, नर्व रिंग. साथ ही में क्या प्रेजेंट होगी? वेंट्रल नर्व कॉर्ड. क्या प्रेजेंट होगी? एक होगा नर्व रिंग और क्या प्रेजेंट होगी? वेंट्रल नर्व कॉर्ड. पहले बात करते हैं बेटा नर्व रिंग की. किसकी बात करेंगे? नर्व रिंग. रिंग मतलब गोल बनना चाहिए. कैसे बनेगा? नर्व रिंग बनती है इसोफेगस के अराउंड. मान लो ये इनकी इसोफेगस है, इसके अराउंड ऐसी गोल सी जब रिंग बन जाएगी ना, उसे बोलोगे नर्व रिंग. तो इस गोले के ऊपर कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट है, इस गोले के नीचे कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट है. जो इस इसोफेगस के ऊपर गैंग्लिया हैं, दे आर कॉल्ड एज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. इसोफेगस के ऊपर क्या बोलोगे? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. जो इस इसोफेगस के नीचे गैंग्लिया प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोलोगे? सब इसोफेजियल गैंग्लिया, है ना? सिंपल है. इसोफेगस के ऊपर सुप्रा, नीचे क्या हो जाएगा? सब. आपस में कनेक्टेड बाय कनेक्टिव्स. सिंपल, दे आर कनेक्टेड बाय सर्टेन लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स. तो ये पूरा एक रिंग बन जाएगा, ठीक है? सुप्रा इसोफेजियल, सब इसोफेजियल, कनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स. अब इस नर्व रिंग के नीचे चालू होती है इनकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड. यस बेटा, क्लियर है? क्लियर है. चलिए बनाए फिर इसको. शुड वी ड्रॉ? चलिए. तो इसके पास प्रेजेंट है एक रिंग. तो मैंने बच्चे क्या बना दिया? एक रिंग बना दिया. इस रिंग में इमेजिनरी इसोफेगस आप कर लो. ऊपर वाली साइड आपको मिल जाएगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, नीचे वाली साइड बच्चे क्या मिलेगा? सब इसोफेजियल. लेबल कर देते हैं, दिस इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है? यहां एक इमेजिनरी इसोफेगस है, ऐसे इमेजिन कर लो. दिस इज योर इमेजिनरी इसोफेगस. दिस इज कॉल्ड एज सब इसोफेजियल गैंग्लिया, राइट? एंड बोथ ऑफ देम दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव्स. लॉन्गिट्यूडनल क्या है? कनेक्टिव्स प्रेजेंट है. अब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो है, इसी को तुम लोग क्या बोल देते हो? ब्रेन बोल देते हो. हाँ जी, बोलने पे आओ कि यार ब्रेन कौन सा है. दैट इज देयर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ओनली, क्योंकि यहां से नर्व्स जाती हैं इनके एंटीना के पास, ठीक है? एंटीना के पास. और कहां जाती हैं? कंपाउंड आइज, ठीक है? कंपाउंड आइज. बट देयर नर्वस सिस्टम इज नॉट जस्ट दिस. इसके अलावा भी इनके पास क्या प्रेजेंट है? एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है. फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू अराइज, विच इज कॉल्ड एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड. क्या बोलते हो इसको? वेंट्रल नर्व कॉर्ड. अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड में भी क्या होंगे? गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे. क्या होंगे बच्चे? गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे. एंड टोटल देयर आर 9 गैंग्लिया. 9 में से बेटा जो 3 गैंग्लिया हैं, यस, वो कहां पाए जाएंगे? दे वुड बी प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन. और बचे हुए आपके 6, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन. थॉरेक्स में 3 और एब्डोमिनल में 6, टोटल क्या बन जाएंगे बच्चों? 9. यस, हाउ मेनी गैंग्लियंस आर देयर बच्चों? देयर आर 9 गैंग्लियंस. 9 में से 3 कहां है? थॉरेक्स. एब्डोमिन बड़ी है तो उसमें ज्यादा दे दोगे, दैट इज गोइंग टू बी 6 इन द एब्डोमिनल रीजन. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो यहां से क्या समझ आ रहा है? यहां से समझ आ रहा है कि यार इसका नर्वस सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हेड रीजन में, थॉरेक्स में भी दिख रहा है तुमको, एब्डोमेन में भी दिख रहा है तुमको, इसोफेगस के अराउंड भी दिख रहा है. दैट मींस द नर्वस सिस्टम इज नॉट
concentrated in the head region. It is spread in whole of the body. Head has nervous system, but very little part of the nervous system. इसी वजह से बच्चों तुम लोग तलवार लेके आओगे, है ना? कॉकरोच के लिए तो चाकू भी एक तलवार है. तुम तलवार लेके आए, तुमने उसको हेड कट कर दिया, है ना? हेड कट करोगे कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रह सकता है. कॉकरोच कैन सर्वाइव विदाउट देयर हेड फॉर अराउंड अ वीक ओनली बिकॉज देयर नर्वस सिस्टम इज नॉट इन वन सेगमेंट. इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स. हर जगह आपको ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम मिल जाता है. इसी वजह से बच्चों दे कैन सर्वाइव विदाउट देयर हेड फॉर अराउंड वन वीक. अब मुझसे पूछो, चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अगर नर्वस सिस्टम नीचे, थॉरेक्स, एब्डोमेन हर जगह है तो एक हफ्ता क्यों? इनको तो सारी उम्र जिंदा रहना चाहिए बिना हेड के. बताओ क्यों ये एक हफ्ते तक ही क्यों जिंदा रहेंगे? एक हफ्ता, 10 दिन, इतने तक ही क्यों जिंदा रहेंगे? सारी उम्र क्यों नहीं रह लेते हैं ऐसे? बताइए सारी उम्र क्यों नहीं रह लेते हैं? क्या कोई इसके बारे में सोच सकता है? दिस इज जस्ट जनरल थिंकिंग. क्या तुमने हेड निकाल दिया फिर मैं बोल रही हूँ बाकी की बॉडी सर्वाइव कर लेगी, हमें हेड वेड की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा क्यों? एक हफ्ता ही क्यों? सारी उम्र सर्वाइव कर लो. व्हाई? यस, बिल्कुल ठीक गुलाब जामुन. दिस वाज अ क्वेश्चन इन नीट 2020. आसान सा सवाल. क्यों 7 दिन बाद जो जाएगा, क्यों 7 दिन बाद? ऐसा क्या होगा? कोई तुमने मंत्र पढ़े हुए हैं क्या कि 7 दिन बाद, 7 दिन तक ही करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा? यस, बिकॉज वेरी नाइस. हाँ ऋषभ शुक्ला, खाना भी तो खाना है. खाना खाने के लिए तो माउथ पार्ट उसके हेड में ही है. तो यार अगर तुमने हेड काट दिया, खाना नहीं खाओगे तो अपने स्टोर्ड फूड पे कितना सर्वाइव कर लोगे? सिर्फ 7 दिन तक ही कर पाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे, है ना? 10 दिन कर लोगे मर धड़के कि बहुत ज्यादा पहले खाना खा लिया था. तो जब तक आपके पास फूड सप्लाई है तब तक आप जिंदा रह सकते हो, क्योंकि यू आर नॉट ईटिंग एनी न्यू फूड, यू आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन द ओल्ड स्टोर्ड फूड विच वॉज अवेलेबल. ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव without their head because their nervous system is segmentally arranged, it is fused and it is present in this form. Supraesophageal इनका brain है, subesophageal और नीचे आपको ventral nerve cord में 9 ganglia मिलेंगे. 9 में से 3 present होंगे आपके thoracic और 6 present होंगे abdominal region में. Nervous system done. आगे चलते हैं बच्चों. Next system. कितना छोटा छोटा है ना. जैसे हम अपना system, nervous system पढ़ने बैठे थे तो 6 दिन लग गए थे, इसके nervous system में मुझे 6 मिनट लगे. तो कॉकरोच को थोड़ी इज्जत करो क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ रहा. जब आप जाओगे ना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी में करने के लिए, तब पूरा एक टॉपिक ही होगा, एक सब्जेक्ट है कॉकरोच. तो सोचो एक नर्वस सिस्टम को महीने महीने पढ़ते हैं वो. चलो कोई बात नहीं, वो दिन चले गए. नेक्स्ट इज बेटा देयर सेंसरी स्ट्रक्चर्स. हाँ जी, वैसे तो ये हमने कल भी देखे थे. सेंसरी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर है भाई? इसके पास कुछ टच रिसेप्टर्स थे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर थे. कौन थे? कम ऑन गाइस, टेल मी. टच रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से थे? हाँ हाँ बिल्कुल नंदिनी मिश्रा, MBBS करोगे, अभी पढ़ लोगे तभी MBBS होगी, नहीं तो बस फिर इधर उधर भटकोगे. हाँ जी, कम ऑन. कल किया था टच एंड ऑल्फैक्टरी दोनों होंगे जिसके पास. वेरी नाइस संध्या, द करेक्ट आंसर इज एंटीने. सो वन टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर एंटीने, जिनके पास टेक्टाइल रिसेप्टर है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी हैं. टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. हाँ जी, एक दूसरी चीज, इसके हेड के पास एक और सेंसरी स्ट्रक्चर है जो इनको देखने में थोड़ी हेल्प कर देता है ना, मदद हो जाती है. दैट इज देयर कंपाउंड आइज. ये भी हमने कल बात की थी कि कंपाउंड आइज के पास हेक्सागनल यूनिट्स होंगे विच आर कॉल्ड एज ओमेटिडियम. ठीक है, कितने ओमेटिडियम थे? 2000 पर आए. हर ओमेटिडियम एक इमेज बना सकता था. यार भाई सोचो, तुम उसके सामने चप्पल लेके खड़े हो, तुम्हारी चप्पल की कितनी इमेजेस बन रही है? 2000 इधर, 2000 इधर, 4000 इमेजेस बन रही है. देख रहे हो बच्चे, सो दैट काइंड ऑफ विजन जिसमें मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, दैट विजन इज कॉल्ड एज मोज़ेक विजन. तो यार ये जो इसकी कंपाउंड आइज है ना, ये बड़ी चालू है, क्योंकि इसमें चाहे उसको ये ना दिखे कि तुम हो, क्लियरली चाहे ना दिखे, रेजोल्यूशन चाहे बकवास हो, लेकिन बच्चे इसकी सेंसिटिविटी कि हाँ कोई तो है, वो इसे बहुत हेल्प करती है. सेंसिटिविटी ऑफ दीज आईज इज वेरी हाई.
अनडाउटेडली चाहे रेजोल्यूशन क्या हो कम, तो मतलब कॉकरोच ना तुम्हारी आहट भी समझता है कि वेदर यू आर गोइंग टू अटैक फ्रॉम राइट साइड और यू आर गोइंग टू अटैक फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो यू कैन नॉट बी वेरी स्मार्ट विद देम. सो देयर सेंसिटिविटी ऑफ दिस आई इज हाई. ठीक है, चाहे रेजोल्यूशन क्या हो कम हो, चाहे उनको ये ना दिखे कि क्लियरली चाहे ना दिखे, बट समझ जरूर आ जाएगी कि यार कहां से आहट आ रही है. यस, सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड आइज. इसके अलावा देयर आर लेबियल पाल्प्स, मैक्सिलरी पाल्प जो टेस्ट वगैरह में हेल्प करते हैं, मैक्सिलरी पाल्प. ठीक है, लेबियल पाल्प. देन बेटा हमने किया था एनल सरकाई. कौन सी वाइब्रेशंस रिसीव करता था? साउंड वाइब्रेशंस. तो दैट इज ऑल्सो ए सेंसरी स्ट्रक्चर. ठीक है, पेयर ऑफ एनल सरकाई. So these all are the sensory structures of the cockroach. Yes, बच्चों, ठीक है. किसकी आवाज आ रही है? बज की आवाज आ रही है. कौन सी बज की आवाज आ रही है? सच्ची में आ रही है क्या? ओके, अब आ रही है बेटा. माइक तो वैसे ठीक है. यस, मतलब मैं तो बच्चों के यू नो थिंकिंग देख के थोड़ी हैरान हूँ, बट कोई बात नहीं यार. जो सही सोचना जो पढ़ना चाहते हैं वही रुकें, जो बच्चे यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं वही रुकें. मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे अपने इन्हीं बच्चों में से एक दो टॉप 100 वाले रिजल्ट चाहिए और मैं बनाकर दिखाऊंगी. आई हैव दो स्टूडेंट्स. वो बच्चे बोलते नहीं है कभी ज़्यादा, बट दे आर देयर. वो अपनी चैट ऑफ करके यहाँ पर पढ़ते हैं और एवरी डे पढ़ते हैं. आई नो आई विल टेक देयर नेम ओनली आफ्टर 1st of August, बिकॉज मुझे पक्का है कि यार उनके रैंक फाड़ू आने वाले हैं, तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे यहाँ से. ठीक है, चलिए आ जाइए. सो दिस वॉज अबाउट द सेंसरी स्ट्रक्चर. अब चलते हैं बेटा कॉकरोच के सबसे डरावने सिस्टम पे. हाँ जी बताओ, सबसे डरावना सिस्टम तुम्हें कौन सा लगता है कॉकरोच का? सबसे डरावना सिस्टम, हाँ जी, दैट इज गोइंग टू बी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. शुड वी स्टार्ट विद दैट? Should we start with the reproductive system? We are done with the circulatory, excretory, nervous, sensory structures. अब turn आएगी बच्चों reproductive system की. ठीक है, so reproductive system करने से पहले, cockroach एक ऐसा organism है जिसमें male sex organs और female sex organs एक ही body में तो नहीं है. They are present in different bodies, है ना. So that kind of you know animal is called as dioecious animal. कैसा है बेटा? डायोशियस है, बिकॉज मेल एंड फीमेल बॉडीज आर सेपरेट. मेल एंड फीमेल बॉडीज दे आर सेपरेट. ठीक है, दैट इज वाई कॉकरोच इज डायोशियस जस्ट लाइक अस, है ना. हमारी तरह हम भी क्या है? डायोशियस है. वी आर ऑल्सो सेक्सुअली डायमॉर्फिक. दूसरी चीज बेटा जो कॉकरोच है वो क्या है? सेक्सुअली डायमॉर्फिक है. यार बाहर से देख के पहचान जाओ कि मेल कौन है फीमेल कौन है. कल बताया था ना, कैसे पहचानोगे भाई मेल कॉकरोच को कैसे पहचानोगे? इसके पास क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स, है ना, क्योंकि मेल तो स्टाइल मारता है. एनसीईआरटी ने बोला भाई, मैंने नहीं बोला. आई हैव नॉट सेड दिस थिंग कि मेल स्टाइल मारते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है. उसको तो तुम झुटला ही नहीं सकते हो, है ना. हाँ जी, और फीमेल को कैसे पहचानोगे? बेटा फीमेल में 7 sternum पे प्रेजेंट होता है एक बोट शेप ब्रूड पाउच. ये अभी पढ़ेंगे भी. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दिस जेनाइटल और द ब्रूड पाउच, जो कि बोट शेप होता है. मतलब उसकी एब्डोमेन जो होती है ना, वो पीछे से थोड़ी सी फुली होती है, थोड़ी सी ब्रॉड शेप होती है. तो वहां से तुम पहचान पाओगे दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. ओके, यस, ठीक है, चलिए. सो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म समझ आ गया एंड डायोशियस नेचर भी समझ आ गया. पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगी, ध्यान देना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने क्या कार्य करना है. इसने कार्य करना है सबसे पहली चीज स्पर्म्स को बनाना. देन बच्चे ये अपने स्पर्म एक एक करके नहीं रिलीज करते, ये स्पर्म का पैकेट बना लेते हैं. उस पैकेट की फिर पैकेजिंग करते हैं,
पैक करके उस पैकेट को, उस गिफ्ट को क्या बोला जाता है, स्पर्म मेटाफोर। देन वो स्पर्म मेटाफोर आपकी फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम समझेंगे कि स्पर्म कहाँ बनते हैं, स्पर्म बनने के बाद उसमें फ्लूइड कहाँ से आता है, फिर बच्चे उसके पैकेजिंग में जो लेयर्स लग रही हैं, जो रैपर लग रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। राइट बच्चों, तो स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले बच्चे इनमें प्रेजेंट होगा पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, टेस्टिस। अब टेस्टिस इन केस ऑफ कॉकरोच, दे आर फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, दे आर फॉलिकुलर, इस तरीके से 80 to 100 फॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, जो कि प्रेजेंट होगा 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। कहाँ प्रेजेंट होगा? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, साइड ऑफ अरेंजर, डॉर्सोलेटरली अरेंज। डॉर्सल मतलब डॉर्सल ऊपर वाली साइड होती है ना, यहाँ पे साइड ऑफ डॉर्सोलेटरली अरेंज, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। और फॉलिकल्स हैं, कितने फॉलिकल होते हैं इनके पास? 80 to 100। मैं यहाँ पे थोड़े से बना रही हूँ, बट बहुत ज्यादा होते हैं। यस बेटा, सो दीज आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, सो दीज आर पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। नाउ फ्रॉम ईच टेस्टिस, देखो आज तक मुझे पता है यहाँ पे जितनी जनता है उसमें से 70% को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो प्लीज इस टाइम पे पूरा ध्यान दे दो, उसके बाद जितनी मस्ती करनी है मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं करेगा। अग्री विद मी? अग्री विद मी? यस बच्चों, ठीक है। सब बच्चे मुझे थम्स अप दे दो कि यस मैम हम ये ध्यान से सुनेंगे, बता दो मैम को चैट सेक्शन में, और सेशन को भी लाइक करो यार, कम ऑन गाइस, यस कम ऑन कम ऑन। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस है नर्वस सिस्टम, लक्ष्मी, यस हाँ जी, सेशन पे भी फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ओके ओके गाइस, हाँ चलो। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले इसके पास है फॉलिकुलर टेस्टिस, विच आर सिचुएटेड डॉर्सो लेटरली, डॉर्सल में लैटरल साइड पे, किस किस सेगमेंट तक है? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। देन फ्रॉम ईच टेस्टिस वास डेफरेंस विल स्टार्ट, हर टेस्टिस से क्या स्टार्ट होगी बेटा? वास डेफरेंस स्टार्ट होगी, ये देखो इससे स्टार्ट हुई, यस, और इससे भी स्टार्ट हुई, ठीक है, इससे भी स्टार्ट हुई। देन बेटा वास डेफरेंस को ना रस्ते में एक मशरूम की तरह एक ग्लैंड मिला है ना, मशरूम जैसे होता है, ऊपर अम्ब्रेला होती है और नीचे ऐसी स्टॉग होती है, बिल्कुल वैसे उसको रस्ते में एक ग्लैंड मिला, उस ग्लैंड को आप क्या बोलते हो? उस ग्लैंड को बेटा क्या बोलते हो? दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड, क्या बोलोगे इसको? मशरूम ग्लैंड। तो यहाँ पे बेटा हम बना देते हैं मशरूम ग्लैंड, राइट। चलिए, तो ये थी बेटा आपकी वास डेफरेंस, यहां पे आपका प्रेजेंट है मशरूम ग्लैंड। नाउ मशरूम ग्लैंड विल हैव ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स, ठीक है, कुछ छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होंगी, ये इस तरीके से मैंने सेंटर में बना दिया है ना, कुछ बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स होंगे, राइट, इस तरीके से देख रहे हो, रास्ते में मिला बेटे, ठीक है, दीज आर लॉन्ग ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बोल सकते हो, ब्लू वाले क्या है? स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, और ग्रीन वाले क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है। तो जो स्पर्म यहाँ बन के आएंगे है ना, जो स्पर्म बेटा टेस्टिस से बन के आएंगे वो पहले किस में दर्शन देंगे, उनमें किसका फ्लूइड आ सकता है? इस मशरूम ग्लैंड का आएगा। तो लेबल कर ले पहले, इतना फटाफट आ जाइए। सो दीज आर पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस दे आर फोर्थ अरेंज इन 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट, एंड दे कंसिस्ट ऑफ 80 to 100 फॉलिकल्स, एक टेस्टिस में तकरीबन इतने फॉलिकल्स होते हैं, डॉर्सोलेटरली प्लेस्ड। देन फ्रॉम ईच टेस्टिस देयर अराइजेज अ ग्रुप ऑफ वास डेफरेंस, पेयर ऑफ वास डेफरेंस, ठीक है। देन बच्चे अब वास डेफरेंस स्पर्म को लेके आए, रस्ते में इनको क्या मिला? मशरूम ग्लैंड मिला, इस मशरूम ग्लैंड के पास कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको आप बोलते हो, दीज लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज यूट्रिक्युलाय, यूट्रिक्युलाय मेजोरिस और मेजोर्स, मेजर मतलब बड़ा है ना, मेजर मतलब बड़ा, यूट्रिक्युलाय मेजोर्स। देन बेटा इसमें कुछ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स भी हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स भी हैं, ठीक है, उसको इधर लेबल कर देते हैं। सो दीज आर द स्मॉल ट्यूब्यूल्स, दीज स्मॉल ट्यूब्यूल्स दे आर कॉल्ड एज यूट्रिक्युलाय ब्रेवियोर,
ठीक है, दीज आर द स्मॉल ट्यूबल्स जो स्पर्म्स को क्या करेंगी, नरिशमेंट देंगी. ठीक है, अब बेटा ये जो स्पर्म आए उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, अभी देखेंगे क्या किया. देन इन स्पर्म के पैकेट को बनाएंगे हम, ये सारी सिक्रीशन लेकर हम स्पर्म के पैकेट को बनाएंगे कहाँ, सेमिनल वेसिकल में. कहाँ पर बनाएंगे, सेमिनल वेसिकल. अब सेमिनल वेसिकल बच्चे प्रेजेंट है इसके पीछे वाली साइड, ये आपको डॉर्सल साइड दिख रही है. वेंट्रल साइड पे आपको क्या दिखेगा, सेमिनल वेसिकल. तो जब हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी इसी मशरूम ग्लैंड पे क्या लेबल कर देती है, सेमिनल वेसिकल. बट एक्चुअली में सेमिनल वेसिकल इसके पीछे प्रेजेंट है, जहां पर आपके स्पर्म स्टोर होंगे, जहां पर बेटा आपका एक्चुअली में जो बंडल है, जो पैकेजिंग है वो होगी. यस, क्लियर. एंड देन फ्रॉम हेयर अराइजेज अ डक्ट, सिंगल डक्ट विच इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट. यहां से बेटा एक सिंगल डक्ट चलेगी जो इस पैकेट को बॉडी से बाहर लेकर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है, अब पैकेट बनाने में एक और ग्लैंड भी यूज हुआ, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी यूज हुई, मशरूम ग्लैंड भी यूज हुए, और बेटा यहां पर एक और ग्लैंड है. ठीक है, ये पीछे की साइड फिफ्थ सेगमेंट पे तकरीबन, दिस इज कॉल्ड एज फैलिक ग्लैंड. क्या बोलोगे, फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, जिसकी डक्ट भी यहां से प्रेजेंट होती है. राइट, सो दिस इज द फैलिक ग्लैंड विच रन्स एंटीरियरली, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर आपको पीछे से दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है. यस गाइस, आर यू गेटिंग. तो अगर आपसे कोई पूछे टेस्टिस की लोकेशन क्या है, फोर्थ टू सिक्स, अगर कोई पूछे यार मशरूम ग्लैंड, ये जो बीच में इतना बड़ा मशरूम बना दिया, इसकी लोकेशन क्या है, सिक्स टू सेवेंथ. इट इज लोकेटेड बच्चे सिक्स टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट. देन बेटा आपका फिफ्थ में क्या प्रेजेंट होगा, फैलिक और द कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, नीचे इजैक्यूलेटरी डक्ट और ये फैलिक ग्लैंड की ही डक्ट है. ठीक है, तो अभी इजैक्यूलेटरी डक्ट आपका सामान लेकर आएगी, मतलब स्पर्मेटोफोर को लेकर आएगी, किस में लेकर आएगी, इनटू द जेनाइटल पोर. नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहां पर जेनाइटल पोर्स, एंड दीज जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट इन जेनाइटल पाउच. ये चीज समझो, पोर का मतलब होता है छेद, ये छेद किसके अंदर प्रेजेंट है, पाउच. इस पाउच को सराउंड करने वाले काइटिनस प्लेट्स हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, फैलोमियर्स. ऐसा अरेंजमेंट है कॉकरोच में, पोर सराउंडेड बाय पाउच, पाउच के अराउंड आपको काइटिनस प्लेट्स मिलेंगी, जिनको आप गोनापोफाइसिस बोल सकते हो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल सकते हो, आप इसको फैलोमियर्स बोल सकते हो. यस बेटा, यस, ये चीज समझ आई. ठीक है, तो फैलिक ग्लैंड फिफ्थ सेगमेंट और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, इसका मैंने यहां पर सिक्स टू सेवन सेगमेंट लिख दिया, और नीचे आप क्या बना दीजिए, नीचे बना दीजिए बच्चे फैलोमियर्स. ठीक है, तो यहां पर लेट अस ड्रॉ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द कॉकरोच. राइट, सराउंडेड बाय काइटिनस स्ट्रक्चर, एंड दीज काइटिनस स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज फैलोमियर. तीन तरीके के बेटा फैलोमियर होते हैं, लेफ्ट राइट एंड वेंट्रल. कौन कौन से होंगे, लेफ्ट राइट एंड वेंट्रल. तो इस तरीके से बेटा आपका ये सारा कॉकरोच है. ये आपका एनल सरकाई, और मेल है तो बच्चे क्या प्रेजेंट होगा, एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होगा. सो दीज आर द फैलोमियर्स. ठीक है, कौन कौन से, लेफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर, देन बेटा राइट फैलोमियर होगा, राइट के अलावा कौन सा होगा, वेंट्रल फैलोमियर होगा. यस बच्चे, ठीक है. शाहबाज खान प्लस का टाइम है सुबह 11 बजे, मेरी प्रोफाइल में जाओ फॉलो कर लो, वहां पर तुम्हें मेरी सारी प्लस क्लास की नोटिफिकेशन आएगी. अब मैं वन बाय वन हर चीज का फंक्शन लिख रही हूं, तो बहुत ध्यान देना सब बच्चे, मैंने आपको समझा दिया है, अब इधर ध्यान दो. स्पर्म बनाया किसने, कम ऑन गाइज, लेट अस राइट द थ्योरी. स्पर्म बनाया किसने, सबसे पहली चीज कांग. यस, सबसे पहली चीज बच्चे, स्पर्म फॉर्मेशन वॉज डन बाय टेस्टिस. इन्होंने क्या की, स्पर्म फॉर्मेशन की. लोकेशन ऑफ टेस्टिस हमने वहां लिख दी, 4 टू 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, पेयर ऑफ टेस्टिस. देन बेटा आ जाते हैं मशरूम ग्लैंड पे,
ठीक है, मशरूम की तरह जो ग्लैंड प्रेजेंट है मशरूम ग्लैंड पे दो तरीके के ट्यूब्यूल्स हैं, जो बड़े वाले हैं उनको बोलते हैं यूट्रिक्युलाई मेजोर्स। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, और छोटे वाले यूट्रिक्युलाई ब्रेवियोर, ये बेटा नरिशमेंट देंगे। ठीक है, देन आ जाइए सेमिनल वेसिकल पे, जो कि वेंट्रल साइड पे है। किस साइड पे, यहां नहीं दिख रहा है, इट इज नॉट विजिबल, ये इसके पीछे प्रेजेंट है, बट आपकी एनसीईआरटी उसको यहीं पर लेबल करती है बिकॉज वो उसके पीछे प्रेजेंट है। ये सेमिनल वेसिकल नहीं है, सेमिनल वेसिकल बहुत ही शाइनी सा सैक होता है, इट्स अ ग्लिस्टनिंग सैक, जो स्पर्म को स्टोर भी करता है और वहीं पर पैकेट बनते हैं स्पर्म के। ठीक है, इसके पीछे वाली वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, बहुत ही ग्लिस्टनिंग सैक है, शाइन करेगा, और काम क्या है बेटा इसका, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज प्लस पैकेजिंग ऑफ स्पर्म। ठीक है, जब आपके स्पर्म का पैकेट बन जाएगा तो स्पर्म यहां से बाहर आएंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां पे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, जो कहीं ना कहीं कॉकरोच की कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो मैं यहां लेबल कर देती हूं, देयर इज टिटिलेटर ऑन लेफ्ट फैलोमियर एंड देयर इज गोइंग टू बी स्यूडोपेनिस। यस बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्पर्म पैकेट की, स्पर्म के जो पैकेट है इसको आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोफोर, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। अब इस स्पर्म मेटोफोर में दो चीजें होंगी, एक तो बेटा स्पर्म्स तो होंगे ही होंगे, प्लस साथ में क्या होगा, स्पर्मेटिक फ्लूइड। अच्छा, तो मान लो दिस, दीज आर द स्पर्म्स, इमेजिन कर लो पैकेट बनाना है, तो ये बेटा आपके स्पर्म्स है। ठीक है, ये स्पर्म का पैकेट बनाएंगे, कहाँ बनेगा, सेमिनल वेसिकल में बनेगा, कैसे बनेगा ये देख लो। नाउ दिस पैकेट इज गोइंग टू बी लाइंड बाय थ्री लेयर्स, ठीक है, तीन लेयर्स इसको कवर करेंगी। सबसे पहली लेयर, द इनर मोस्ट लेयर अराउंड दिस पैकेट इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ मशरूम ग्लैंड, इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ यूट्रिक्युलाई मेजोर्स। ये जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स थी ना मशरूम ग्लैंड की, ग्रीन वाली लॉन्ग ट्यूब्यूल्स थी, ये फर्स्ट लेयर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ये फर्स्ट और द इनर मोस्ट लेयर बनाएंगी, ये याद रखना है आपको। इनर मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय यूट्रिक्युलाई मेजोर्स, और सिंपली अगर आपको मेजोर्स नहीं याद होता, आप ये याद कर लो कि दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। यस, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द मिडल लेयर, बीच के लेयर, इसके अराउंड एक और लेयर भी है बीच की लेयर। द मिडल लेयर इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, मिडल लेयर इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। देन बेटा द आउटर मोस्ट लेयर, एक और लेयर भी है भाई, इससे मामला नहीं बनेगा, एक और लेयर भी है, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर मोस्ट लेयर, एंड द आउटर मोस्ट लेयर गाइस इट इज फॉर्म्ड बाय, हां जी, कौन सा ग्लैंड बच गया, फैलिक ग्लैंड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। तो ये फंक्शन है आपके इन ग्लैंड्स का, ये वेस्ट नहीं रखे हुए हैं, ये हमने मशरूम ग्लैंड ऐसे नहीं लगा दिया कि मशरूम की तरह दिखाएंगे और फैलिक ग्लैंड ऐसे लगा दिया, नो, दे ऑल हैव अ पर्पस। इजैक्युलेटरी डक्ट भी एक लेयर बना रही है, मशरूम ग्लैंड भी एक लेयर बना रही है, और फैलिक ग्लैंड भी क्या बना रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं। यस बच्चों, क्लियर। अब इसके बाद यहां पर प्रेजेंट होगा इनका जेनाइटल पोर, है ना, लास्ट में आपको मिलेगा जेनाइटल पोर, या फिर आप पोर को एपर्चर भी बोल सकते हो। दिस एपर्चर इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय जेनाइटल पाउच, कौन सराउंड करेगा बच्चे इनको, जेनाइटल पाउच, और मेल में ये जेनाइटल पाउच कौन बनाता है, कौन कौन सी सेगमेंट्स बनाती हैं, इट इज 9th टर्गा प्लस 10th टर्गा प्लस 9th स्टर्ना, ठीक है, ये तीनों मिलके मेल में क्या बनाती हैं, जेनाइटल पाउच, और इस जेनाइटल पाउच के अराउंड दे आर सराउंडेड बाय एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सिंपल। ठीक है,
ठीक है, समझे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हमने क्या बोला था, फैलोमियर, एंड इसी को हमने क्या बोला था, गोनापोफाइसिस। तो ये चीज सबको समझ आई कि यार ऊपर से जो पैकेट आएगा उसको बाहर कैसे निकालेंगे, पोर के थ्रू। पोर का क्या नाम है, जेनिटल अपर्चर। अब उसके अराउंड एक पूरा पाउच बना हुआ है, पाउच को क्या बोलते हैं, सिंपली जेनिटल पाउच। इन तीनों ने मिलकर बनाया, और बच्चे उसको और सराउंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए, देयर आर सर्टेन काइटिनस प्लेट्स। काइटिन की प्लेट से बनता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फैलोमियर और गोनापोफाइसिस। यस बच्चे बताइए, कम ऑन गाइस बताइए, ये चीज समझ आई, ये चीज सबको समझ आई कि क्या हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, हाउ द टेस्टिस दे आर फॉर्मिंग। फॉर्मिंग बनने के बाद आया वास डेफरेंस, वास डेफरेंस के बाद बच्चे ब्रेवियोर, छोटे टिब्यूल्स ने उसको नरिश किया, लंबी टिब्यूल्स ने उसके अंदर वाली लेयर बना दी, ठीक है। फिर वो पहुंच गए सेमिनल वेसिकल में, वहां पर उनको फैलिक ग्लैंड की सिक्रीशन मिली, उसने बच्चे आउटर मोस्ट लेयर बना दी। इजैकुलेटरी डक्ट में आ गए तो उसने मिडल लेयर बना दी। क्या बन गया, पूरा पैकेट बन गया। पैकेट बन के कहां पर बैठा है, वो सेमिनल वेसिकल के अंदर बैठा है, जो यहां नहीं दिख रहा, जो वेंट्रल साइड पे है, ठीक है। देन जब कॉपुलेशन का टाइम आएगा, फीमेल मिल जाएंगे इनको, उस टाइम पर बच्चे दे विल जॉइन फ्रॉम एब्डोमेन टू एब्डोमेन, एंड दे विल देन रिलीज दैट packet of sperm which is called as spermatophore, and they will put this spermatophore into the spermatheca of the female. Yes beta, ab aapko samajh aaya, come on guys, done, jis jis ka done hai fatafat se haath khada kar do aur session ko like bhi kar do, come on guys, ab aapko female samjhayenge. यस बेटा, अब आपको क्या बताएंगे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाएंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल वुड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर जो एग बनाएगा, जो क्या बनाएगा, ओवा बनाएगा, ठीक है। और उस ओवा से आगे क्या बनेगा, आपके एग रिलीज होंगे, एग रिलीज होंगे उस स्पर्म से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद बच्चे फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या प्रेजेंट है बच्चों यहां पर, पेयर ऑफ ओवरीज। सो ये मैंने बेटा क्या बना दी है, पेयर ऑफ ओवरीज। Yes. देख रहे हो, कहीं भी शेप बना दो, ठीक है। सो ये दोनों मैंने क्या बनाई है, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। हर ओवरी के अंदर, ध्यान देना, हर ओवरी के अंदर देयर आर 8 ओवेरियोल्स। देखो सबसे पहली चीज, टेस्टिस और ओवरी को कंपेयर करो कि टेस्टिस थोड़े छोटे हैं, ओवरी थोड़ी लंबी है। टेस्टिस कहां से कहां तक थे, 4 to 6, ओवरी विल एक्सटेंड फ्रॉम 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। हर ओवरी के अंदर, इन ईच ओवरी बेटा, देयर आर गोइंग टू बी 8 ओवेरियोल्स। ये मैं अभी जूम करके बनाऊंगी, कितने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These structures are called as ovarioles. कितने होंगे, 8 per ovary. तो मतलब total कितने हो गए, total ovariole कितने हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, total कितने हो जाएंगे बच्चों, 16, है ना, 8 2s are 16. One ovariole looks like this. एक ovariole ऐसा दिखता है actual में, yes. एक ओवेरियोल के अंदर क्या हो रहा है, एग इज पासिंग थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एग मेच्योर हो रहा है ये सिंगल एग, पहले बटे मेच्योर हो रहा है, यहां पे बना, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से सिंगल एग की क्या हो रही है, मेच्योरेशन हो रही है। तो मतलब एक टाइम पर फीमेल कॉकरोच कितने एग बना सकती है, देखो 8 इधर बनाएगी, 8 इधर बनाएगी, टोटल कितने बना देगी, 16 बनाएगी कि नहीं बनाएगी, यस बच्चों, एक टाइम पर कितने बनाएगी, 16 बना देगी। देन फ्रॉम ईच ओवरी देयर इज ओरिजिन ऑफ ओविडक्ट। क्या निकलेगा बेटा यहां से, ओविडक्ट निकलेगा, ठीक है, इंडिविजुअल ओविडक्ट, एंड देन दे आर गोइंग टू जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन ओविडक्ट, है ना। फेलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हो तुम, ओविडक्ट बोलते हो। यहां पे तुमने क्या बना लिया, अब एक कॉमन ओविडक्ट बनाई, एंड दिस कॉमन ओविडक्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना इन दिस केस। क्या नाम है कॉमन ओविडक्ट का बेटा, वेजाइना, ठीक है। इसी जगह पर, इसी जगह पर बच्चों
प्रेजेंट है अ पेयर ऑफ स्पर्माथीके इन सिक्स्थ सेगमेंट अराउंड देयर इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्पर्माथीके. कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्माथीका इज अ पेयर स्ट्रक्चर. दिस इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट समवेयर. ठीक है, नाम से ऐसा लगता है कि शायद यार ये मेल का स्ट्रक्चर होगा, बट ये किसमें प्रेजेंट है? फीमेल में प्रेजेंट है, याद रखना है. और इसी के अंदर जो बंडल है ना स्पर्मेटोफोर के, वो यहाँ स्टोर होते हैं. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ स्पर्मेटोफोर इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच. ओके, तो कॉमन ओविडक्ट जाकर खुल जाएगी. इट विल देन ओपन इंटू, यस इट विल देन ओपन इंटू द चेम्बर विच इज कॉल्ड एज द जेनाइटल चेम्बर. Yes, इस पूरे पाउच का क्या नाम है? दिस पाउच इज कॉल्ड एज द जेनाइटल पाउच. ठीक है, इस जेनाइटल पाउच में भी दो हिस्से हैं. ऊपर वाला हिस्सा बोला जाता है जेनाइटल चेम्बर और एट्रियम, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी. और नीचे वाला हिस्सा बोला जाता है वेस्टिबुलम, जिसमें ऊथीका बनेंगे. दिस इज ऊथीकल चेम्बर. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा. ओके, तो समझो दोनों ओवरी में से क्या हुए? एग मैच्योर हुए. आठ इधर हुए, आठ इधर हुए. दोनों एग्स ने, दोनों जगह से बच्चे, टोटल 16 एग्स निकल के आएंगे. कहाँ पर आएंगे? पहले आएंगे ओविडक्ट पे, देन यहाँ से आएंगे बेटा कॉमन ओविडक्ट पे. एग आ गए, अभी ये अनफर्टिलाइज्ड है. देन रस्ते में इनको क्या मिला? पेयर ऑफ स्पर्माथीका मिला. इसमें क्या प्रेजेंट है आपके? मेल स्पर्मेटोफोर प्रेजेंट है ना, कॉपुलेशन के टाइम पर यहीं पे आपके मेल स्पर्मेटोफोर स्टोर हुए. देन बच्चे यहाँ से रिलीज हुए स्पर्म्स, स्पर्म्स के पैकेट. ऊपर से क्या आए? एग आए. तो यार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस, तो फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन इन द जेनाइटल चेम्बर ऑफ द जेनाइटल पाउच. फर्टिलाइज होने के बाद अब उस एग के अराउंड ना एक कवर बन जाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए कवर बन जाएगा. वो कवर कहाँ बनेगा? इस नीचे वाले चेम्बर में. उस कवर को बनाने के लिए देयर आर सेपरेट ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड एज कोलैटेरियल ग्लैंड. ये पेड़ की तरह होते हैं बच्चों. क्या होते हैं? पेड़ की तरह होते हैं. सो दीज ग्लैंड्स दे आर कॉल्ड एज कोलैटेरियल ग्लैंड्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऊथीका फॉर्मेशन. ऊथीका फॉर्मेशन. ये बात समझ आई कि इधर से स्पर्म आए, स्पर्माथीका लेके बैठे थे, इन्होंने क्या सिक्रेट किया? ऊथीका, मतलब कवरिंग. और एक्चुअल में जो ऊथीका है वो इस जगह पर बनेगा, नीचे वाला चेम्बर विच इज कॉल्ड एज ऊथीकल चेम्बर. यस बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लिख लें फटाफट, लिख लें इस चीज को, इस चीज को लिख लें दैट ओवरीज किस से किस लेयर, किस से किस सेगमेंट में है? सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट. फटाफट से बताओ बच्चे, टाइम नहीं लगना चाहिए. ओवरी के बाद आपके एग्स आए ओविडक्ट में. एग्स बनाए किसने? ओवेरियोल्स ने. दे आर प्रेजेंट 8 पर ओवरी. सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां लिख रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा हम यहां पर लिख रहे हैं. यस, वी आर राइटिंग इट ओवर हेयर. ओवरी कितने सेगमेंट से? सिक्स, सेकेंड टू सिक्स. एक ओवरी में कितने ओवेरियोल्स हैं? 8. तो टोटल कितने एग्स बनेंगे? 16. देन यहां से आपके एग्स ट्रैवल करके आए ओविडक्ट में. ओविडक्ट के बाद बच्चे वो आ गए वेजाइना में, कॉमन ओविडक्ट में. ठीक है, कॉमन ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? वेजाइना. इस कॉमन ओविडक्ट में इनको मिला स्पर्माथीके की ओपनिंग. स्पर्माथीका एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है. नाम इसका मेल जैसा है बट है फीमेल में. किस जगह पर प्रेजेंट है? सिक्स्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट है. किसको लेके बैठा है? स्पर्मेटोफोर को रिलीज लेकर बैठा है. तो यहां पर अब स्पर्म्स भी आ गए, ऊपर एग भी आ गए. कहां जाएंगे? ये जाएंगे बेटा सबसे पहले ऊपर वाले चेंबर में. यस, इस ऊपर वाले चेंबर में क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी. यहां पर आपके मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे. देन वो फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड जो कवरिंग है ना, जो कवरिंग है ऊथीका, वो इस ऊथीकल चेंबर में होगी. सो इफ वी टॉक अबाउट ऊथीका, तो टोटल कितने ऊथीका बनते हैं? कोई आइडिया? टोटल बच्चे देयर आर गोइंग टू बी 9 to 10 ऊथीका. इस तरीके से कवरिंग्स, जो कवरिंग है ना, जो कोलैटेरियल ग्लैंड ने बनाई, इसको हम बोलते हैं ऊथीका. ऐसे 9 to 10 कवरिंग्स बनती हैं. एंड ईच ऊथीका, ध्यान देना, ईच ऊथीका कंसिस्ट ऑफ
14 टू 16 एग्स अरेंज्ड इन टू रोज. ठीक है, मान लो इस तरीके से एक उथिका है, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे कितने, 14 से 16, ऐसे दो रोज में प्रेजेंट होंगे. राइट बेटा, सो दिस इज हाउ वन उथिका विल लुक लाइक. उथिका इज द केस, कवरिंग को बोलते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइज एग पाए जाएंगे. 9 से 10 उथिका और एक टाइम पर उसके अंदर 14 से 16 क्या होंगे, मान लो 16 है, 16 क्या होंगे उसमें फर्टिलाइज एग. तो मतलब एक टाइम पर एक फीमेल कॉकरोच कितने बेबी कॉकरोच रिलीज कर सकती है, कब रिलीज करेगी. देखो फीमेल सबसे पहले ना एक सही जगह ढूंढेगी, शी विल फाइंड आउट अ प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, क्योंकि वहीं ग्रो करता है, जहाँ पर थोड़ा खाना भी नज़दीक हो, इसके लिए आसान हो जाएगा आगे ग्रो करना. तो फीमेल विल फर्स्ट सर्च फॉर अ प्लेस लाइक अ क्रैक, कहीं पे क्रैक आया हुआ है, कहीं दरार है, उस दरार में बच्चे वो अपने उथिका ड्रॉप करके चली जाएगी. देन उथिका बर्स्ट करेंगे और बीच में से क्या निकलेंगे, एग्स निकलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स निकलेंगे. देन दे विल क्रॉस द स्टेजेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस और अल्टीमेटली वो क्या बन जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे. तो आप इमेजिन कर सकते हो एक बारी में एक फीमेल से कितने बेबी कॉकरोचेस बनेंगे. यस गाइस, बहुत आसान है, समीक्षा ने आंसर भी निकाल दिया. एक टाइम पर एक मदर से कितने बेबी कॉकरोचेस बन सकते हैं, देखो उसने टोटल 10 केसेस रिलीज किए. ठीक है, हर केस के अंदर 16 एग्स है, तो टोटल कितने हुए, अप्रोक्सीमेटली 160 बेबी कॉकरोचेस. तो अब इमेजिन करो यार, आपके घर में अगर एक भी कपल रह रहा है कॉकरोच का, तो कितना फर्टिलाइजेशन हो सकता है और कितना आपका घर कॉकरोचेस से भर सकता है. यस, समझ आया ये चीज, समझ आया. तो अब बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच. डेवलपमेंट, तो हमने देखा कि इस तरीके से आपके उथिका बनते हैं, देन ये उथिका द फीमेल विल ड्रॉप देम इन. फीमेल कहां ड्रॉप करेगी, फीमेल विल ड्रॉप उथिका किस जगह पर, जहां पर ह्यूमिडिटी है. ठीक है, जहां पर फूड का सोर्स है. ठीक है, थोड़ा सा डैम्प एरिया है, किसी भी दरार में डाल के चली जाएगी, वहां पर जाकर वो ग्रो करेंगे. ग्रो करने के लिए बच्चे उनकी क्या होगी, मोल्टिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्डाइसिस होगी. सो दे विल अंडरगो एक्डाइसिस. ठीक है, दे विल अंडरगो अ मेटामॉर्फोसिस, ऐसी टाइप की मेटामॉर्फोसिस होगी जिसमें धीरे धीरे करके वो एडल्ट बनेंगे. जैसे एक एग था, एक से बनी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट से बनी सेकेंड, इस तरीके से टोटल 13 स्टेजेस कन्वर्ट होती हैं एंड दी स्टेजेस आर कॉल्ड एज निम्फल स्टेजेस. क्या बोलते हो बच्चे इनको, निम्फ बोलते हो. 13 टाइम्स क्या बनता है आपका, निम्फ, और अल्टीमेटली जाकर क्या बनता है, एक एडल्ट कॉकरोच. सो 13 टाइम्स मोल्टिंग करनी पड़ती है एक कॉकरोच को इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू एडल्ट. ठीक है, अब ये निम्फ क्या कॉकरोच की तरह नहीं दिखते, बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते, बस साइज थोड़ा छोटा होता है, साइज में अंतर है, कलर उनका थोड़ा सा लाइट होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी और विंग्स नहीं होंगे. ये जरूर याद रखना है कि जो निम्फल स्टेजेस हैं इनके पास क्या है, विंग्स नहीं होते हैं. सिर्फ सेकंड टू लास्ट निम्फल स्टेज के पास विंग पैड्स होंगे, बट विंग्स सिर्फ किसके पास आते हैं, एडल्ट के पास ही आते हैं. किसके पास आते हैं बेटा, विंग सिर्फ एडल्ट के पास ही आते हैं. सो सेकंड टू लास्ट निम्फल स्टेजेस हैज लिम्फ विंग पैड्स, बट अल्टीमेटली द लास्ट हैज गॉट द विंग्स. सो धीरे धीरे करके हो रहा है ना, एक बारी मोल्टिंग हुई, फिर दूसरी बारी हुई, तीसरी बारी हुई, ऐसे 13 बारी मोल्टिंग करके वो जाकर एडल्ट बनेगा. इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस जो स्टेज बाय स्टेज होती है, ग्रेजुअली होती है, दिस इज कॉल्ड एज पोरोमेटाबोलस. पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस विच इज अ ग्रेजुअल मेटामॉर्फिसिस, है ना, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे, है ना, सीढ़ियां चढ़ोगे. यस बेटा, क्लियर हुआ है, ये बात समझ आई, ये बात सबको समझ आई. तो कितनी बारी उसको मोल्टिंग करनी पड़ेगी, कॉकरोच हैज टू अंडरगो मोल्टिंग 13 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स बेटा, 13 टाइम्स मोल्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा. यस, चलिए आगे आ जाते हैं. सो ये बात होगी डेवलपमेंट. डेवलपमेंट पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस. सो फर्टिलाइजेशन हो गई,
डेवलपमेंट हो गई एंड देन हमने दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पर डिटेल में कर लिया. यस, मूविंग ऑन टू द डीपीपी. आज डीपीपी से पहले आप एक बारी डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी जरूर देखिए. एनसीईआरटी के डायग्राम्स में देखोगे तो यू विल सी दिस इज द डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. देख रहे हो, फर्स्ट चेंबर इज कॉल्ड एज एंटीरियर एओर्टा. इस तरीके से कितने चेंबर्ड हार्ट है? 13 चेंबर्ड हार्ट है. देखो, कॉकरोच को जो 13 नंबर है ना, 13 नंबर बहुत पसंद है, क्योंकि 13 चेंबर्ड ही क्या है, उसका हार्ट है. मोल्टिंग भी कितनी बारी हुई? 13 बारी हुई. तो 13 इज क्वाइट अ लकी टर्म फॉर कॉकरोच. ठीक है, और ये क्या है? एलरी मसल्स. कितने पेयर प्रेजेंट होंगे? 12 पेयर ऑफ फैन लाइक एलरी मसल्स एंड दीज आर द चेंबर ऑफ द हार्ट. आप क्वेश्चन आता है कि ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करेगा? क्या ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर जाएगा या फिर एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगा? कम ऑन गाइस, टेल मी, ब्लड कॉकरोच की किस जगह से किस जगह पर मूव करेगा? यस यस गाइस. नहीं, कल अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं होगा. फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनिमल किंगडम. बच्चों, सिंगल चैप्टर इज लेफ्ट इन क्लास 11th, दैट इज एनिमल किंगडम. वो हम कल करके खत्म कर देंगे. टुमारो इज द टर्न ऑफ एनिमल किंगडम, राइट? हाँ जी, टेस्ट का सिलेबस. ये बच्चे मेरे से टेस्ट का सिलेबस इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं? दिन में 4 बार ही बताती हूँ. नर्वस सिस्टम बेटा, ठीक है. सो ब्लड इज एक्चुअली गोइंग टू फ्लो फ्रॉम बच्चे कहाँ से कहाँ? पीछे से आगे, पोस्टीरियर टू एंटीरियर दिशा. बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. अब ये देख लो, सब चीजें मुझे बताओ, ये चीज समझ आ रही है सबको? सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, 4 to 6 सेगमेंट फॉलिकुलर टेस्टिस है. देन बच्चे आगे यहाँ पर क्या चली है? पेयर ऑफ वास डिफरेंस, एक इधर से एक इधर से. कहाँ पर खुली? खुली तो वैसे ही इजैक्युलेटरी डक्ट में है, लेकिन रस्ते में इसको किसकी सिक्रीशन मिली? मशरूम ग्लैंड की सिक्रीशन मिली. मशरूम ग्लैंड में स्मॉल ट्यूब्यूल्स भी है अंदर वाली, यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर. मशरूम ग्लैंड में साइड वाली लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी है ना, जिनको हम बोलते हैं यूट्रिकुलाई मेजोर्स. इन यूट्रिकुलाई मेजोर ने स्पर्मेटोफोर की सबसे अंदर वाली लेयर बनाई थी, ठीक है. अब इसके बैक साइड पे आपको क्या मिलता है? सेमिनल वेसिकल, ग्लिस्टनिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इजैक्युलेटरी डक्ट के नीचे प्रेजेंट होता है और वहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं, ठीक है. देन बच्चे रास्ते में इसको और क्या मिला? फैलिक ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड. ये डक्ट फैलिक ग्लैंड की ही डक्ट है, ठीक है. देन बच्चे जब आपका स्पर्म का पैकेट बन गया सेमिनल वेसिकल में, वो किसको दे देंगे? इजैक्युलेटरी को. इजैक्युलेटरी बच्चे इसको आगे बाहर रिलीज कर देगी. आप देखोगे द गोनोपोर्स, दे आर सराउंडेड बाय बच्चे जेनाइटल अपर्चर. जेनाइटल अपर्चर के अराउंड पाउच, पाउच के अराउंड बच्चे एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये सारा क्या है? फैलोमियर. 3 तरीके के फैलोमियर, लेफ्ट राइट वेंट्रल, दे आर फॉर्मिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और द गोनापोफाइसिस एंड अल्टीमेटली ड्यूरिंग कॉपुलेशन दिस वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मेल कॉकरोच, ठीक है. अर्थवर्म और फ्रॉग बेटा हम करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास 12th, नॉट राइट नाउ. पहले हम अपनी 11th का एनिमल किंगडम करेंगे, फिर हम करेंगे 12th क्लास, और लास्ट में हम उसको पढ़ लेंगे. कहाँ से? हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, बिना पढ़े नहीं जाएंगे. ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है. अब तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज. रिवाइज हो रहा है, डिफिकल्ट लगता है तुम्हें, इसीलिए. हर ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? 8 ओवेरियोल्स. यहाँ मैं लेबल कर देती हूँ, क्या है ये? 8 ओवेरियोल्स. हर ओवेरियोल के अंदर एक एग बन रहा है, तो टोटल 16 एग बन रहे हैं. एग्स बनकर कहाँ पर आ जाएंगे? ओविडक्ट में आ जाएंगे. दोनों ओविडक्ट जुड़ेंगी, क्या बनाएंगी? कॉमन ओविडक्ट बनाएंगी. इसी कॉमन ओविडक्ट को क्या बोलोगे? वजाइना, राइट. रस्ते में इनको सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में मिला पेयर ऑफ स्पर्मा, ठीक है, जहां पर आपके स्पर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है. इन्होंने रिसीव किया था, यहां से एग्स आए, यहां से स्पर्म्स आए. दोनों चीजें आ चुकी हैं इस ऊपर वाले चेंबर पे, जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल चेंबर. इस जेनाइटल चेंबर में क्या हुई? फर्टिलाइजेशन. नाउ द फर्टिलाइज्ड एग हैव कम इन द वेस्टिबुलम. वेस्टिबुलम में इन फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड कवरिंग बनेगी, जिसको हम बोलते हैं ऊथीका बनेगा. कौन बनाएगा ये कवरिंग? ये पेड़ की तरह जो ग्लैंड है, विच इज कॉल्ड एज कोलैटेरियल ग्लैंड, जो कि लेफ्ट साइड पर थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू दिस साइड, ठीक है. ये लोग इसके अराउंड कवरिंग बनाएंगे. उस पूरे चेंबर को तुम बोल दोगे ऊथीका. कितने ऊथीका बनते हैं? 9 to 10. हर ओथीका के अंदर कितने फर्टिलाइज्ड एग्स? 14 to 16, एंड दे वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द जेनाइटल अपर्चर ऑफ द फीमेल.
यस बेटा, क्लियर क्लियर है ये चीज सबको? चलिए अब बारी आती है आपके कुछ क्वेश्चंस की, कर लें क्वेश्चंस? चलिए आ जाइए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच? प्रेजेंस ऑफ बोट शेप स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल, फोर विंग्स विद डार्कर टेगमीना, दिस इज टेगमीना, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई. क्या पूछा है? आइडेंटिफाई मेल फ्रॉम फीमेल, नॉट फीमेल फ्रॉम मेल. देखो दोनों का आंसर है इसमें, दोनों का आंसर दिया हुआ है बेटा इसमें. मेल फ्रॉम फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ एनल स्टाइल. अगर आ जाता फीमेल फ्रॉम मेल, फीमेल के पास ऐसा क्या है जो मेल के पास नहीं है? दैट इज अ बोट शेप जेनाइटल पाउच, है ना, बोट शेप जेनाइटल पाउच यहां में दिया हुआ है, ठीक है. तो मेल फ्रॉम फीमेल में आंसर क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल. नेक्स्ट, इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यस, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सेकेंड का आंसर बताइए. कम ऑन, स्टोरेज पूछा है, सेमिनल वेसिकल, मशरूम ग्लैंड्स, टेस्टिस और वास डिफरेंस. स्टोरेज कहाँ होती है? मशरूम के अंदर होती है. मशरूम के अंदर स्पर्म्स जाते हैं, स्टोरेज बेचा वहां होगी जहां पर स्पर्मेटोफोर बनता है, अरेंज होता है, दैट इज सेमिनल वेसिकल. ए वुड बी द राइट आंसर. किसने दिया? हितांशी हैज गिवन द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना? रुक जाओ, ये थोड़ा सा एनिमल किंगडम से आ गया, वो मैं तब कराऊंगी. ओके, ये बच्चे ए थोड़ा सा अंदर घुस गया है, मैं यहां दोबारा लिख देती हूँ. ए इज यूरिया, यूरिया ये है आपका ए ऑप्शन, ठीक है. द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हेमोग्लोबिन मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं? यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट अमोनिया और पोटेशियम यूरेट. कम ऑन गाइस, फोर्थ का आंसर बताइए, फोर्थ का आंसर बताइए. किस फॉर्म में वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज कर सकते हैं? यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया और पोटेशियम यूरेट. तुमको पता है कॉकरोच क्या है? कॉकरोच क्या है? कॉकरोचेस आर यूरिकोटेलिक. लेकिन यहां पर यूरिक एसिड तो है ही नहीं. मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी कि दे कैन एक्सक्रेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड प्लस बेटा साथ में यूरेट क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल कोई भी हो सकते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप मेरे से पूछ सकते हो मेरी स्पेशल क्लासेस में, जो सुबह हमने 10 बजे ली थी, कल भी 10 बजे लेंगे, एंड टुमारो इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी बिग सेशन. टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी हम कल लेने वाले हैं शाम को 6 बजे, और सुबह 10 बजे बायो ब्लास्ट में कोई एक ना एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे. यस, कोई एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, इन कॉकरोच ऊथिका फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ, ऊथिका किससे बनता है? फैलिक, कॉन्ग्लोबेट, मशरूम, कोलैटेरियल. ये तो एलिमिनेशन से भी निकल आएगा, एलिमिनेशन से भी निकल आएगा. नहीं बेटा आज नहीं है अंकिता. हाँ जी, ऊथिका जो कवरिंग है आपके एग्स की, फर्टिलाइज्ड एग्स की, ये कवरिंग्स कौन बना रहा है? वही पेड़ वाला, जो पेड़ की तरह है, ब्रांचेस की तरह है ना, दैट इज कॉल्ड एज कोलैटेरियल ग्लैंड. फैलिक तो मेल में होता है, फैलिक का ही दूसरा नाम क्या है? कॉन्ग्लोबेट. मशरूम भी किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में एक ही है, दैट इज कोलैटेरियल ग्लैंड्स. एब्सोल्युटली. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. करेक्ट सीक्वेंस बताइए बच्चों, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस. कम ऑन, यस कम ऑन, सिक्स का आंसर बताइए. सब सब फेरिंग से स्टार्ट करें, फेरिंग से सॉफेगस के बाद क्या आएगा? यस, बहुत आसान है, बहुत आसान. हाँ जी, ये बोल रहे हैं फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस के बाद सीधा इलियम जो कि हाइंड गट में है, फिर क्रॉप. रॉन्ग. देन सी में देखो, फेरिंग्स इसोफेगस, गिजर्ड पहले लगा दिए, क्रॉप बाद में लगा दिए. रॉन्ग.
Pharynx, esophagus, gizzard, ileum, crop, इतनी दूर, crop gizzard से पहले आता है. Only correct answer would be B. पहले pharynx, फिर esophagus, फिर crop, gizzard, फिर midgut, फिर ileum, फिर colon, फिर rectum. So correct answer option number B था. Choose the incorrect pair from the matches given below. Yes, incorrect बताना है. Antennae, sensory receptors, metathoracic wings, flying, malpighian tubule, excretion, crop for food grinding. सेवेंथ का बताइए. कम ऑन गाइस, सेवेंथ का बिल्कुल ठीक. अदीबा, अदीबा एंड रत्नाप्रिया, रत्नाप्रिया तुम एक बार दोबारा सोचो. अदीबा विद द राइट आंसर एंड सोनाली विद द राइट आंसर. एंटीने के पास बच्चे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी. मेटाथोरेसिक विंग फ्लाइंग के लिए होता है, मीजोथोरेसिंग उसकी प्रोटेक्शन करता है, मालपिजन टिब्यूल एक्सक्रीट करते हैं, क्रॉप दिस इज नॉट फॉर फूड ग्राइंडिंग. फूड ग्राइंडिंग का काम किसका है? गिजर्ड का है. क्रॉप का तो काम है स्टोर करना, ठीक है, स्टोर करना. तो डी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाँ जी, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बच्चों इज योर होमवर्क क्वेश्चन. थोड़ा बड़ा है ना, तो अभी नहीं पढ़ना आपको. कब पढ़ना है? होमवर्क क्वेश्चन में आंसर देना है, जैसे आपने आज दिया था. आज थोड़ा सा आसान मिल रहा है, ये आसान नहीं है, ठीक है. होमवर्क क्वेश्चन आप आंसर देंगे इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन ओपन होता है सेशन खत्म होने के बाद, अभी नहीं ओपन होगा. अभी लाइव चैट में मत देना प्लीज मुझे आंसर, ओके. प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई पर्सनली रीड ऑल द कमेंट्स, ठीक है. तो ये आपकी क्या है? डीपीपी. डीपीपी बेटा आपको मिलती है अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर राइट आफ्टर द सेशन. मंथन ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको एवरी डे मैं डीपीपी दे रही हूँ, एवरी डे, ठीक है, डीपीपी सॉल्यूशंस के साथ, राइट. एंड ये मेरा स्पेशल क्लास का स्केड्यूल है, सुबह 10 बजे एंड शाम को 6 बजे. आज नहीं होगी बच्चे, कल सुबह 10 बजे कंटिन्यू करेंगे और कल शाम को 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी हम करने वाले हैं. कहाँ दिखती हैं ये स्पेशल क्लासेस? दिखती हैं अनअकैडमी के प्रोफाइल पे. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप बच्चे डाउनलोड करो, वहाँ पे मुझे सर्च करना. मेरा नाम तो तुम जानती हो, नहीं जानते तो लर्न कर लो. यू कैन सर्च मी एनीवेयर, यू विल फाइंड मी एवरीवेयर, ठीक है. वहाँ पर मैम को कर लेना फॉलो. फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लास सारी मिस हो जाएंगी. फॉलो कर लो और सीप लाइव कोड यूज करके आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन गेट द डीपीपी. इस बारी मंथन के टेस्ट में आ रहा है नर्वस सिस्टम. मंथन का टेस्ट होता है एवरी सैटरडे 3 बजे, ठीक है. नर्वस सिस्टम इज योर सिलेबस फॉर दिस टेस्ट. एंड बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन का प्लान करते हो, सारे 2021 के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 3 मंथ के कोर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा 31st of July तक का. सो यू कैन अवेल दिस एंड आप कोड यूज़ कर सकते हो सीप लाइव, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट. 2023 के भी बैचेस शुरू हो चुके हैं जो बच्चे क्लास 10th में हैं. मैंने सिर्फ ये देखा है, जो आप टॉप रैंकर देखते हो ना, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, वो बच्चे कुछ जीनियस नहीं है. वो बच्चे सिर्फ वो हैं जिन्होंने तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर ली. जितना जल्दी आप बच्चे स्टार्ट करोगे उतना ही बेहतर आप एंड में फील करोगे, ठीक है. कुछ बच्चे तो 8th से 9th से तैयारी कर रहे हैं. यूजुअली यू विल फाइंड दोज पीपल, 4-year people इन टॉप रैंक्स, है ना, टॉप 1 to 5. तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो अब जल्दी नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने 8th और 9th निकाल दिया है. 10th करने के बाद बच्चे दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन. यू कैन गो विद आवर 2-year course. 12th क्लास वाले बच्चे 1 year का लें, लेकिन टाइमली ले लें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएं. टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ दिस कंट्री, आपको मेरी तरह हज़ारों यहाँ पर अच्छे कोटा के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, दिल्ली के, जिससे पढ़ने के लिए लोग पहले दूर से आते थे, अब आपको घर बैठे ये सारी फैसिलिटी मिल रही है. आपको DPPs मिल रही हैं, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं, आपको बेटा सपोर्ट मिल रहा है. अगर आप चाहते हो कि एक्सटर्नल कोच का सपोर्ट मिल जाए जो आपके लिए आपका टेस्ट एनालाइज करे, स्टडी प्लानर बनाए, मतलब एक बंदे को छोड़ दिया तुम्हारे पीछे जो तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, ठीक है. सो दैट कोच यू आर गोइंग टू रिसीव इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. वहां पर भी आई एम अवेलेबल. मुझसे पूछोगे अगर मैं 10th में होती तो मैं आइकॉनिक ही लेती, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे प्लस के भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और इंडिविजुअल अटेंशन भी बहुत अच्छे से मिलेगा यहाँ पर, ठीक है. तो आप सीप लाइव कोड यूज करके 10% ऑफ पा सकते हो टोटल अमाउंट पर. आज का सेशन बेटा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए, ठीक है. टैग करा करो सेशन को. अगर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आया, लीव दिस इन द कमेंट बॉक्स एंड हैशटैग यूज करना, #NEETMANTHAN एंड #CrackNEET with Seep Ma'am. कल सुबह मिलेंगे बच्चों 10 बजे अपनी स्पेशल क्लास में. बायो ब्लास्ट जो चल रहा है, कोई एक डिफिकल्ट टॉपिक मैं आपको जहां पर एवरीडे समझाती हूँ डिटेल में. चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.